जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है खोरठा प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं ये खोरठा प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पंचायत सचिवालय परीक्षा 2018 का हाल प्रश्न पत्र है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं तो इसमें हम लोग आज 50 से 60 प्रश्न करेंगे। देखते हैं, जैसे पहला सवाल क्या है कि डाह माने हवा है, यानी डाह का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डाह का मतलब होता है आपका ईर्षा करना, यानी ईर्षा करेक, ठीक है। डाह माने ईर्षा करेक होवे है। दूसरा है, भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूप में कौन पर्व खोरठा क्षेत्र मनवेल जा है। तो भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए कर्म त्यौहार, जिसको कर्मा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कर्मा। नेक्स्ट है, महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हिल रहे, महेश गोलवार जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1911 को। चलिए, उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत, उदासी शीर्षक कहानी किसने लिखा है, तो उदासी कहानी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ पंचम महतो के द्वारा। किसके द्वारा, पंचम महतो के द्वारा। नेक्स्ट है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म भेल रहे, डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म हुआ है 3 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, डोंगल के अर्थ है, यानी डोंगल का अर्थ क्या है, तो देखिए डोंगल का अर्थ होता है चुनल बिछल, चुनल बिछल। ई और ऊ कौन रकमेक सर्वनामेक पटेतर लागे, तो देखिए ई और ऊ जो है, ठीक है, ये आपका ठेकानवाचक सर्वनामेक पटेतर लागे है, ठीक है। नेक्स्ट है, महत्वाइन में कौन पड़ता है, तो महत्वाइन में जो है वो है आपका आइन पड़ता है, ठीक है, महत्वाइन में आइन पड़ता है। नेक्स्ट है, मास्टर साहब के नाम है खोरठा कौन हास्य व्यंग कवि जानल जाते, तो मास्टर साहब के नाम है खोरठा कौन हास्य व्यंग कवि जानल जाते, यानी मास्टर साहब के नाम पर खोरठा का कौन सा हास्य व्यंग कवि जो है, ठीक है, जिसका नाम मास्टर साहब कह के लोग उनको पुकारते हैं, कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए यहाँ देखते हैं। मास्टर साहब जिनको कहा जाता है वो है आपका फुतेश्वर करमाली, फुतेश्वर करमाली। नेक्स्ट है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल हथे, एक पथिया डोंगल महुआ के कवि कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर दयानंद बटोही। उसके बाद है, हेमाल माने हवे है, हेमाल का मतलब क्या होता है, तो देखिए हेमाल का मतलब होता है आपका कनकन आनी ठंडा, ठीक है, कनकन आनी ठंडा। उसके बाद है, सॉफ्ट टाई चल है, सॉफ्ट टाई चल है का मतलब क्या होता है, ये जो फिंगाठी निबंध के लिखवाए हथे, इसका किसने इनको लिखा है, फिंगाठी निबंध किसने लिखा है, तो देखिए सॉफ्ट टाई चल है ये जो निबंध है ये आपका लिखा गया है डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा। नेक्स्ट है, बहुवचन बनवे का प्रत्यय है, बहुवचन बनाने का प्रत्यय कौन सा है, तो वाइन भी है, आइन और ईन दोनों है, गुला गुलिन भी है, यानी ई सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञा का एगो भेद है, संज्ञा का 5 भेद है, हिंदी व्याकरण, खोरठा व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सब में। डिडाग ओवानी कौन काइब है, डिडाग ओवानी कौन काइब है, यानी डिडाग ओवानी कौन सा आपका कविता है, तो ये है आपका खंड काइब, खंड काइब। नेक्स्ट है, काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप है, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, काड़ी होता है, ठीक है, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप काड़ी होता है, एक मिनट, काड़ा का स्त्रीलिंग रूप काड़ी होता है और भैंस भी हो जाएगा, खोरठा में भैंस होता है, ठीक है। चलिए, छुआ दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे, छुआ दुलार शीर्षक कविता किन के द्वारा लिखा गया है, तो आइए देखते हैं, छुआ दुलार शीर्षक कविता ये लिखा गया आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा, ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा। नेक्स्ट है, खोरठा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है, छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है, यानी खोरठा निबंध में छोटा नागपुर का जो नैनीताल है उसको किसको कहा गया है, तो नेतरहाट के, हजारीबाग के, किरीबुरू के, दुमका के, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेतरहाट के।
उसके बाद है डाह नाटक के भूमिका लिखा रहते हैं। डाह नाटक जो है इनका भूमिका किसने लिखा है, तो इनकी जो भूमिका है वो लिखा है A.K. झा ने। नेक्स्ट है फरीच डहर खोठा कहानी के गोच के भूमिका लिखा रहते हैं। तो फरीच डहर काठी कौन कहानी के गोच के भूमिका लिखा रहती, तो ये लिखल हत ऑप्शन हो जाएगा A. शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है, तो ये कविता छपा हुआ है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। संज्ञा कर ओजी जे आवे वो कहाँ है। संज्ञा कर ओजी जे आवे वो कहाँ है, तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन B. सर्वनाम या सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले को सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका परिच डहर किताब के लिखवाए का जन्म करल रहे। फरीच डहर किताब के लिखवाए का जन्म करल रहे, तो इनका जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1/28/1949 में। नेक्स्ट है स्वर्ण माटी किताब के प्रकाशन बछर है, तो स्वर्ण माटी किताब का जो प्रकाशन बछर है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरवा अडाक अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है। बोरवा अडाक अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखते हैं श्रीनिवास पानुरी। खोरठा में वचन कैगो हवे है, तो खोरठा में वचन कितना होता है ये पूछा गया है, तो खोरठा में वचन होता है दूगो, एक वचन और बहुवचन। मांझो कहानी के लिखवैया हथे, मांझो कहानी के लेखक कौन है, तो मांझो कहानी के जो लेखक हैं वो हैं आपका भुवनेश्वर साहू। पुरुषवाचक स्वरनाम कर भेद ना है, तो पुरुषवाचक स्वरनाम का भेद क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन D. गौण पुरुष। नेक्स्ट है खोरठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हथे, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C. डॉक्टर A.K. झा। उसके बाद है बुढ़ारी कौन रकमक संज्ञा लागे, तो बुढ़ारी जो है ये है आपका भाववदक संज्ञा। स्वर्ण माटी किताब के लिखवैया हथे, तो स्वर्ण माटी किताब के लेखक कौन है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। डिडाक डवानी कायबे केगो सर्ग है, तो इसमें डिडाक डवानी कायबे में कविता में कितना सर्ग है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 6। खोरठाएँ वचन माने की होवे है, खोरठाएँ वचन माने, तो देखिए खोरठाएँ वचन का मतलब, खोरठा भाषा में वचन का मतलब होता है आपका गिनती, याद रखिएगा। सवाल है खोरठा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन A. 1990। उसके बाद है दीदी जी कहानी के लिखवैया हथ, यानी दीदी जी कहानी के लिखवैया हथ, यानी दीदी जी कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन D. पंचम महतो। नेक्स्ट है डाह नाटक के प्रकाशन बछर है, तो डाह नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है, तो 1992। उसके बाद है फरीच डहर किताबें कईगो कहानी संकलित है, तो फरीच डहर किताब में कितना कहानी है, तो 11 कहानी है। उसके बाद है सुकुमार जी खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हथ ओकर शीर्षक है, यानी सुकुमार जी ने खोरठा गद्य पद्य संग्रह में जो कविता लिखा हुआ है उनका शीर्षक क्या है, तो उस कविता का जो शीर्षक है वो है आपका बेडाइल समय। चलिए आगे देखते हैं। डाह नाटक के नाटककार हथ है, तो डाह नाटक का जो नाटककार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन A. सुकुमार। साधु का स्त्रीलिंग रूप है, तो साधु का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है साधुआइन। वेदियाइन में कौन पढ़ता है,
तो वेदयायन में जो पड़ता है वो है आपका आयन। नेक्स्ट है खोठा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है, तो खोठा निबंध किताब में जो इतना भी निबंध है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12 गो निबंध। खोठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन वर्ष है, तो खोठा निबंध प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन वर्ष है वो पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1992। विशेषण कर भेद कई गो भेद है, विशेषण का कई गो भेद है ये पूछा गया है, तो विशेषण का जो भेद है खोठा में वो हो जाएगा आपका 4 गो। ठीक है, एके झा जन्म भेल रहे, एके झा के जन्म भेल रहे, तो एके झा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 जून 1939 को। डह नाटक के प्रकाशक हत, डह नाटक का प्रकाशक कौन है, तो डह नाटक का जो प्रकाशक है वो है आपका ऑप्शन ए श्रीमती कुंती देवी भेंड्रा बोकारो मूर्ति देवी, याद रखिएगा। डिंडा माने हवे, डिंडा मतलब क्या होता है, तो डिंडा का जो मतलब होता है वो पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका घर बाड़ी। चलिए, हेराइल हाँसी कहानी के पुरुष पात्र के नाम है, हेराइल हाँसी कहानी के पुरुष पात्र का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिमल बाबू। डिडाक डोवानी काव्य के लिखवैया हाथ, तो डिडाक डोवानी कविता का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बंसीलाल वंशी। चलिए, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है, तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस शीर्षक संस्मरण के लेखक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोविंद महतो जंगली। तो दोस्तों, आज का ये खोटा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, 50 सवाल इसमें था, तो मैं रोज़ आपके लिए 50 प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो फिर मिलते हैं।